सरोकार। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती का 67वां जन्मदिन आज है। पार्टी कार्यालय पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। शुभचिंतकों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं का आभार जताया है मायावती ने। बीएसपी जन कल्याणकारी दिवस मना रही है, मायावती ने कहा है। मायावती ने कहा, हम सभी सादगी के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का विपक्ष पर निशाना सामने आया। हमारी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, बीएसपी की अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन है, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और सर्वेसर्वा सुश्री मायावती का 67वां जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, साथ ही साथ एक सहभोज रखा, जिसमें तमाम उनके पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो भी आगंतुक हैं उनको यहाँ केक काट के खिलाया गया। साथ ही आपको बताएं कि आज मायावती अपने जन्मदिन पर एक अपने जो बहुजन समाज पार्टी की किताब है रेवोल्यूशन ऑफ बहुजन, उसका 18वां भाग का आज शुभारंभ की है, उसका विमोचन की है। साथ ही साथ एक गाने की भी आज रिलीज की गई है जो कि बीएसपी के मूवमेंट ऑफ बीएसपी पे आधारित होगा, जिससे साफ तौर से देखें तो ये गाना बॉलीवुड के एक मशहूर सिंगर कैलाश खेर के द्वारा फरमाया गया है। मयूरी, आपको बता दें कि इस गाने से और साथ ही साथ पुस्तक से कहीं ना कहीं देखें तो मायावती जो सत्ता से बाहर रह रही हैं और कार्यकर्ताओं उनके कहीं ना कहीं इतर वितर हैं तो उनको जोड़ने का प्रयास है। साफ तौर से इस गाने से और पुस्तक से जो बहुजन समाज के सोच के लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास है। आपको बताएं कि आज जन्मदिन के अवसर पे, जब उनका 67वां जन्मदिन है, इस अवसर पे आज देश भर के अंदर में बहुजन समाज के लोग आज उनके बर्थडे को धूमधाम से मना रहे हैं। और आपको बताएं कि आज के उनके जन्मदिन को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के रूप में देश भर में मनाते हैं। आपको बताएं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुश्री मायावती ने साफ तौर से सत्ता पक्ष और साथ ही साथ तमाम नेताओं को घेरा और कहा कि जो सरकार में सरकार है वो कहीं ना कहीं विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं बीएसपी को सत्ता में आने नहीं दे रही है। वही अब उनको तरफ से कहा गया है कि ईवीएम से चुनाव न हो, जो भी चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम से ना हो, वो बैलेट पेपर से हो, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि जो धांधली की खबरें आती हैं, आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष के दलों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जायज है। और ईवीएम से चुनाव ना हो के बैलेट पेपर से चुनाव हो, जिससे आम जनमानस का जो वोट है वो एक सही जो सुसज्जित ढंग से पहले हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को साफ तौर से उन्होंने इनकार करते हुए मांग की है कि अब चुनाव बैलेट पेपर से हो। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की तरह काम कर रही है, एक ही तरह से काम कर रही है और आरक्षण को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है। तो एक बड़ा आरोप लगाते हुए सुश्री मायावती ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पे आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें साफ तौर से कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही तरह की है और ये दोनों मिलकर आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर जो कहीं ना कहीं देखें तो बहुजन समाज के हितों की बात करनी है या आरक्षण को बचाना है तो बीएसपी को वापस सत्ता में लाना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि जहां आज मायावती अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं को तमाम गुरु मंत्र दी है और उनको कहीं ना कहीं साधने का बांधने का उन्हें एक रूपरेखा तैयार की है, उस पर उनके पदाधिकारी उनके संदेश को कितना अपने आम जनमानस तक पहुंचा पाते हैं। वहीं अगर मयूरी बात की जाए तो अपने जन्मदिन के अवसर पर जो मोमेंट ऑफ बहुजन की किताब का 18वां भाग है, ये साफ तौर से अगर देखे तो जब बहुजन समाज पार्टी बनी उस वक्त से लगातार अगर देखे तो 1984 से ये किताब आती रही है और उसका 18वां भाग आया। इस किताब से साफ तौर से जो एक पढ़ा लिखा तबका होता है बहुजन समाज पार्टी के अगर चहेतों की बात करें और ना चाहने वाले भी लोग इसे पढ़ते हैं, उनके लिए एक मैसेज होगा ये किताब, क्योंकि इसमें तमाम संघर्षों को मायावती शब्दों में उतार कर और लोगों के बीच
अपने कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच ये भी है कि उनके संघर्षों को लोग समझे, जाने और उनके संघर्षों से कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश के कई मर्तबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल चुकी है। और बात की जाए तो दलित अगर नेताओं में गिरे तो सबसे बड़ा नाम देश के अंदर में आज के समय सुश्री मायावती का आता, और कहीं ना कहीं वो अपने वोटर्स को साधने का लगातार प्रयास कर रही है। वही उन्होंने कहा कि बीएसपी की सरकार आएगी तो संतों को विशेष उन्हें राहत पैकेज दिए जाएंगे, उन्हें विशेष सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने संतों के सम्मान की बात करते हुए कहीं ना कहीं देखे तो हिंदू वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है, और साफ तौर से संत समाज को भी बसपा के प्रति कहीं ना कहीं उनका विचार बदले उसको लेकर, और उनका कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर में गतिविधियां में बदलाव आया, उनका भी पार्टी के अंदर में एक उन्होंने अस्तित्व बताया कि उनका भी अस्तित्व है और उनका भी सम्मान किया जाएगा अगर आती है तो। वहीं आपको बताया कि उन्होंने कहा कि आज लाखों ओबीसी परिवार आरक्षण से वंचित है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ओबीसी और साथ ही साथ एससी एसटी के बेटरमेंट के लिए लगातार काम करते रहे, काम करते रहेंगे। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।